हम पंजाब से आम आदमी पार्टी से आए हैं, हमारे साथ हरपाल सिंह जी चीमा जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं और उनके साथ कुलवंत सिंह पंडोरी जो महल कलां से विधायक हैं, मैं जय कृष्ण सिंह रौड़ी पंजाब से गढ़शंकर से विधायक हूं और मेरे साथ मंजीत सिंह बिलासपुर जी जो निहाल सिंह वाला से विधायक है और हमारे साथ दूरी से हमारे सिंगला जी पार्टी के हमारे आगू हैं वो जहाँ पे आज रोष प्रदर्शन में आए हैं और पंजाब में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो आज ये ऐतिहासिक स्थान जो पिछले दिनों DDA ने सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ जो वहाँ से फैसला करवाया है उसके खिलाफ आए हैं और हमारी सभी भारतवर्ष के लोगों की ये मांग है कि आज हमें आशंका है कि जो BJP है वो हमारे धर्म को, वो हमारे इतिहास को, वो हमारे संविधान को जो है वो बदलना चाहती है। इस धरने में आए हैं हम स्टेज पे बैठने के लिए, स्टेज पे बोलने के लिए नहीं, हम धरने में शामिल होने के लिए आए हैं और हमने धरने में शमूलियत की है और स्टेज का प्रोग्राम चलेगा। हम कुछ समय से ही आए, हमने अभी स्टेज का प्रोग्राम देखा नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि यदि आप देखें DDA जहाँ दिल्ली में और कितने जहाँ पे जो समाधि हैं, इंदिरा गांधी जी की समाधि जहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू की है और जितने भी प्रधानमंत्री जहाँ से हुए हैं उनकी समाधि जहाँ पे हैं, सैकड़ों एकड़ और जमीनें हैं और मालूम नहीं कितने बाबे जो बलात्कार के अंदर भी मामले में भी अंदर हैं, उनके बहुत ज्यादा जहाँ पे जो स्थल है उनके यहाँ पे वो मंडल वगैरह बना रखे हैं। लेकिन ये अकेला हमारा श्री गुरु रविदास महाराज का ऐतिहासिक स्थान ही क्यों? क्योंकि साफ स्पष्ट बात है, जब आने वाली नस्लें ये पूछेंगी कि सिकंदर लोदी को क्या मजबूरी थी, को श्री गुरु रविदास महाराज को उन्होंने इतनी जमीन अपनी क्यों दान की थी, उनकी सख्याओं से, उनकी जो हमारे आशीर्वाद से जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो अपने वंचित रह जाएं, जो इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि जो काम देश के नेताओं को करना चाहिए वो जनता आके जमीन पे कर रही है। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपनी उंगल है, जो जो उंगली है उनकी फोटो में देखो, उसने ऐसे कर रखी है, उसने बोल रखा है कि जो आम लोग हैं कि इनका जो स्थान है वो दिल्ली की लोकसभा है, वो पंजाब की विधानसभा है। जब में से इन लोगों में से जो अपने नीचे पर पचड़े भर के हैं, जो नीचे रह गए, जो दबले कुचले लोग हैं, जब तक ये लोकसभा में नहीं जाएंगे, ये विधानसभा में नहीं जाएंगे, ये जो लोग पूंजीवादी लोग हैं ये हमारे ऊपर ऐसे ही हमले करते रहेंगे। सर, एक बात एक देखने वाली बात ये है कि इस मामले में राजनीति काफी ज्यादा हो रही है। चंद्रशेखर वहाँ पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि मामला सुलट गया है, एक महीने पहले जब वहाँ पर गए थे कि सरकार झुक गई है हमारे यहाँ पर आंदोलन के बाद या हमारे आने के बाद, लेकिन वो एक लेटर दिखाते हैं, उस लेटर को पढ़ते नहीं है और उसके एक महीने बाद सही मंदिर तोड़ दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें बरगला के रखा गया लोगों को? किसी ने क्या कहा इसके लिए हमें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जो हमारा स्टैंड है वो जो स्पष्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे गुरु जी का मंदिर तोड़ा गया है और जो मंदिर वही बनना चाहिए। जो भी हमारे साधु संप्रदाय हैं, जो हमारे आगे हमारे हमारा निर्देशन कर रहे हैं, उनके जो हमारे वो आदेश देगा हम उनसे सरकार।